कपड़ा डालो, कपड़ा डालो। उसको बंद कर रहा है, उसके बारे में बात कर रही है। पहले वो बंद क्यों उठा रहे हैं बेटा? यहाँ से अड़िया आगे से उठा के ऐसे लेके जाएंगे, ऊपर आ जाएगी। काम नहीं से अड़िया कोने से अड़िया चौधरी बहुत है। रिपोर्ट टाइम करवाए बैठना भाई। थोड़ा वहां रुपए हम इस वक्त मौजूद है बाग कॉलोनी में, जहाँ पे क्रेन के जरिए कुर्बानी के जानवर छत से उतारा जा रहा है और ये इसको मजबूती से बांध दिया गया है इस क्रेन के जरिए, और अब इसको जो है उतारा जा रहा है क्रेन के जरिए। अरे सही है, कुर्बानी के अंदर जो बांध दिया गया, इसका मुंह ढक दिया गया ताकि ये रहे ना, और इसको अब जो है स्क्रीन के जरिए जो है वो छत से नीचे उतारा है। हम इसमें मौजूद हैं पाक कॉलोनी में, कराची में, जहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे जो है ये घर वाले जो हैं इसको छत पे पालते हैं, और फिर जैसे ईद कुर्बा का टाइम वक्त करीब आता है तो इसको क्रेन के जरिए नीचे उतारा जाता है। हजारों की तादाद में बच्चे यहाँ मौजूद हैं। सारे माशाल्लाह बोले एक बार। भाई थोड़ी सी ज़्यादा दीजिए। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। इसको जो है अब उतार दिया गया है क्रेन के जरिए। उतर गया तो हम इस वक्त मौजूद थे बाग कॉलोनी में, जहाँ पे कुर्बानी के जानवर जो है वो उतारा गया है क्रेन के जरिए। हमने आपको ऊपर से दिखाया, अब हम नीचे चलते हैं और नीचे से दिखाते हैं इसको कहाँ बांधा गया है। तो नीचे चलते हैं अब और नीचे जाके दिखाते हैं। ये वो जगह थी जहाँ पे इसको पूरे साल पाला गया है, और फिर यहाँ यहाँ पे बकरे भी पाले और कुर्बानी भी, और यहाँ पे पूरे साल इसको पाला जाता है और उसको यहाँ से फिर इसको क्रेन के नीचे उतारा गया है। तो हम नीचे चलते हैं और नीचे जाके आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत आए हुए हैं, रश है, इसलिए थोड़ा सा टाइम हमें शायद स्टेयर्स पर लगे। तो नीचे जाके आपको ये सेकंड फ्लोर पे इस जानवर को रखा गया था, और ईद गुरबा से कुछ दिन कबल इसको जो है इसको क्रेन के ज़रिए उतारा गया है। अब हम नीचे जा रहे हैं और नीचे जाके दिखाएंगे आपको कि यहाँ किस तरह इसको बांधा गया है और किस क्रेन से इसको उतारा गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो उतारने का सफ़र था वो कामयाब रहा। दूसरी साल हमने देखा था कि सरजानी डॉन में एक वाक़ होता, नाखुशगवार वाक़ होता, और क्रेन से जो है वो कुर्बानी का जानवर जो है वो गिर गया था। तो ये बाग कॉलोनी में भी हर साल इस तरह किया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इनके साथ कुछ ऐसा वाक़ नहीं हुआ, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहे थे शायद, और इसको बहुत मजबूती से बांधा गया था। तो ये अब यहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे बूढ़े बड़े सब मौजूद हैं, इस क्रेन के ज़रिए इसको उतारा गया है। गुजर गया जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको खुशी है जी? बहुत खुशी, अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि ये बच्चा हमारा साथ करो सो रही है। ठीक है, अच्छा यार तो यकीनन अभी ये क्योंकि एक कठिन मरहले से नीचे उतरा है तो गुस्से में भी है, और थका होगा। पाक कॉलोनी में सब मौजूद हैं हम। पाक कॉलोनी की मैं एड्रेस आपको शायद ना समझा पाऊँ, बट पाक कॉलोनी है, पाक कॉलोनी का इलाका है। और मैं अगर आपको दूर से दिखाऊँ यहाँ पे लोगों की तादाद, बड़ी
दिखाते हैं स्क्रीन से, इसको यहाँ पे उतारा गया है। मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ, ऊपर से मैंने आपको दिखाया कि किस तरह इसको बांधा गया और फिर इसे उतारा गया। चार महीने वो छः महीने ये वो क्रेन है जिसके जरिए इसको इस छत से उतारा गया है, सेकंड फ्लोर दिए, सेकंड फ्लोर से इसको उतारा गया है और अब ये क्रेन जो है यार तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अहमद कराची की एक और लाइव अपडेट के साथ, अल्लाह हाफिज़।